हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया? तो चले स्टार्ट करते हैं आइसोमर का लेक्चर 6। और लेक्चर 6 में क्या पढ़ना है? टोटेमिज्म का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं फिफ्थ में, और सेकेंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, टोटेमिज्म के बहुत से कॉन्सेप्ट जीओसी बेस्ड होते हैं। रिजोनेंस आएगा, हाइपर कंजुगेशन आएगा, यानी अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप जीओसी नहीं पढ़े हैं, फिर भी हर एक फैक्टर को आप सीखिए। जहां दिक्कत होगा, घबराने की बात नहीं है, वो जीओसी में क्लियर होगा। पर हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से यही पर ये बात सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटेमर का लेक्चर सेकेंड्स। ध्यान दिया जाए, आज जो सिखाना है मेनली, वो सिखाना है परसेंटेज इग्नोर। मतलब ये क्या है सर? फैक्टर इफेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, या ऐसे भी लिखिए, फैक्टर इफेक्टिंग द टोटेमर्स। टोटेमर्स यानी कौन कौन से फैक्टर टोटेमर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या सीखे थे कि अगर ये कीटोन है और ये 1, 2, 3 से, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 कैसे किए थे? इसको लिखे थे 1, इसको लिखे थे 2, इसको लिखे थे 3। 3 से हाइड्रोजन गया था और यहां से डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ था। इसको इसी को हम लोग 1, 2, 3 माइग्रेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ था, पाई बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ था। क्लियर? हम लोग को आज सीखना है, जैसे इस दोनों में ये जो इक्विलिब्रियम है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इस केस में ये लगभग 100% के आसपास हो जाता है और ये 0%। ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कभी भी एक डायरेक्शन में 100% नहीं मिल सकता है, लगभग दिख रहे हैं। क्लियर है? तो आप कहेगा सर आप कैसे समझे कि ये इसका परसेंटेज ज्यादा है? थ्योरेटिकल वे में हमको समझाना हो आपको, तो आप कैसे समझिएगा इसका परसेंटेज ज्यादा है, है ना? तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे इनॉल को और कीटोन को? ये दोनों फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? टोटेमर्स। क्लियर है? ये कीटो इनॉल फॉर्म है। तो जो पहला फैक्टर इसमें हम बताएंगे, वो बताएंगे बॉन्ड एनर्जी। कैसे हम बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अगर कीटोन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो कीटोन की तरफ शिफ्ट करेगा, इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो इनॉल की तरफ शिफ्ट करेगा। वो देखने में सबसे पहले देखेंगे क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या देखेंगे? बॉन्ड एनर्जी। देन रेजोनेंस। घबराइएगा नहीं कि रिजोनेंस नहीं पढ़े सर, कैसे समझा देंगे, देखिएगा कैसे समझाते हैं। रिजोनेंस, या यहां पर हम लोग लिखते हैं कंजुगेशन। क्लियर? फिर सिखाएंगे आपको इसमें हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बगल में लिख देते हैं, या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्कीन। हाइड्रोजन फॉर एल्कीन, ये सब वर्ड इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जानने में आसानी हो जाए। अगर जीओसी सीखे रहते तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। फोर्थ, एरोमेटिसिटी। फिफ्थ, एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, सिक्स देखते जाइएगा, सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में ज्यादातर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, ज्यादातर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा। क्लियर? स्टेरिक इफेक्ट,
एंगल स्ट्रेन, इसको रिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। कहीं दिक्कत है? टेम्परेचर भी आएगा, ठीक है, ब्रिज एटम कॉन्सेप्ट भी आएगा। बहुत से टर्म्स आएंगे, कहीं दिक्कत? क्लियर समझ रहे हो? तो एक बार पहले इसको नोट करो, तो एक एक करके बॉन्ड एनर्जी से समझाना शुरू करते हैं। पहले नोट कीजिए, लिख लिए। अब पहले बॉन्ड एनर्जी से चलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर कैसे समझाते हैं, पहले ये चेक कर लें, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं मोनोकार्बोनाइल सिस्टम में, मोनोकार्बोनाइल सिस्टम जिसके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, क्लियर? ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कंडीशन के तौर पर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। माइग्रेशन कैसे होगा? 1, 2, 3 से हाइड्रोजन और यहां से डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत? आराम से लिख सकते थे, एक कीटो है, दूसरा इनॉल है, क्लियर? ये कीटो फॉर्म है, दूसरा इनॉल फॉर्म है। अगर स्टेबिलिटी की बात करते, इस दोनों टोइटोमर में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करते, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू। पुस्तक इसका रीजन क्या है कि वन मोर स्टेबल है टू से, ये अप्रॉक्स अभी बता रहे हैं कि 100% के आसपास हो जाएगा, ये लगभग लगभग 0% खत्म तो कभी नहीं होता है, 0% के आसपास होगा। परसेंटेज के फेरा में मत समझो। क्यों सर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके, है ना, क्वेश्चन ये उठेगा। तो यहां पर जाएंगे बॉन्ड एनर्जी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी देखिएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का ज्यादा होता है कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, और ये ज्यादा होता है कार्बन कार्बन से। कुछ ऐसा आप कैसे समझे? अरे सिंपल लॉजिक लगा लो, रफली आप ऐसे चेक करो कि आप पीटी में हो, पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, साइज क्या देखते हो? लैक्टोलाइट डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम अभी भूल जाओ, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। तो दो कार्बन कार्बन मिलके जो बॉन्ड बनाएगा, दो बड़े बड़े एटम जो बॉन्ड बनाएंगे, उसका बॉन्ड लेंथ तो बड़ा होगा। एक बड़ा एक छोटा बनाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होगा। एक बड़ा और एक छोटा बनाएगा तो सबसे छोटा, ये क्या हो गया, हम मान के चल रहे कार्बन कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा किसका दिख रहा है आपको? कार्बन ऑक्सीजन का। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल लॉजिक लगा लेंगे, है ना? वैल्यू हम लोग जानते हैं कि और भी फैक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी फैक्टर काम करता है जब हम लोग निकाल रहे थे क्या बॉन्ड लेंथ, पर मोटा मोटी आप ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्स आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप मोटा मोटी लिखिए, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत? यानी यहां पर आपको दिख रहा है कि बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मजबूत है, किससे? कार्बन कार्बन से। अगर और भी बॉन्ड एनर्जी के बारे में देखिए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता तो कौन ज्यादा होता? ये कभी ऐसा रहता ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, तब क्या करते? तब भी ये, यानी मल्टीपल बॉन्ड में तो आप ये जानते ही हैं कि ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड मजबूत होगा सिंगल बॉन्ड से, ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप। तो यहां जो मेन रीजन है, मेन रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये ज्यादा मजबूत है किससे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। यानी यहां रीजन जो देख रहे हैं, मेनली रीजन यही है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा दिख रहा है किससे?
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। यही कारण है कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर रहा है, किसके तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो कीटोन फॉर्म के तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल दिखा दें इसके, ये क्लियर समझ रहे कैसे बॉन्ड एनर्जी होगा, दिमाग में सेट आ रहा है, कैसे सेट हो रहा है ना भाई कि कैसे हमको करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल दें, नोट कर लीजिए, मिटा दे, और कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो अगर यहां पर इस तरह से आ जाता, सेम कहानी, वन टू थ्री, अब तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे बना लोगे तुरंत, ऐसे रहता, फिर वन टू थ्री, ऐसे रहता, देखते जाओ। क्लियर? इन सभी केस में अगर इनको वन मानते, इसको टू मानते, इसको वन मानते, इसको टू मानते, इसको वन मानते, इसको टू मानते, हो क्या रहा है, वन टू थ्री सब जगह यही हो रहा है, वन टू थ्री, थ्री से हाइड्रोजन गया, यहां से डबल बॉन्ड, वन टू थ्री, यहां से क्या जगह डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन। क्लियर है? इन सभी केस में वन की स्टेबिलिटी टू से ज्यादा, सबके पीछे रीजन क्या, बॉन्ड एनर्जी, सबके पीछे रीजन क्या, बॉन्ड एनर्जी। और एग्जांपल देखिए, अगर आपके सामने इस तरह से दे देता है ना, अब यहां इसके पास तो हाइड्रोजन है, क्या करते, माइग्रेशन तो करा देते, कैसे कराते, वन टू थ्री। क्लियर? कराने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता वो तो ये बनता ऑक्साइन वाला। अब ये वन है, ये टू है, पूछा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वन का कि टू का, तो आप क्या कहोगे, वन इज मोर स्टेबल देन टू, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? क्लियर? वन इज मोर स्टेबल देन टू। अगर ऐसा रहता, साइनाइड वाला रहता, उम्मीद करते हैं दिखेगा, ये वन टू थ्री, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से डबल बॉन्ड आएगा, अब ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, देखो यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से डबल बॉन्ड आया, करके भी देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड गया, यहां से हाइड्रोजन गया, ये वन है, ये टू है, पूछा कौन ज्यादा स्टेबल, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू, कर सकते कि नहीं, सब तो कीटो इनॉल फॉर्म में ही है, कहीं दिक्कत जा रहा है? क्लियर है डाउट? पहले एक बार नोट करें तो फिर और कहानी बताते हैं, थोड़ा सा दिखा दे नीचे करके। लिख लिए, समझ रहे हो कैसे बॉन्ड एनर्जी आ रहा है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मजबूत है, किससे, रिस्पेक्ट में, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा चुके हैं, और यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मजबूत था, किससे, डबल बॉन्ड से। ये तो हुआ बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें थोड़ा हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ दें, है ना, मोनोकार्बोनाइल ही चल रहा है, उसमें हाइपर कंजुगेशन और थोड़ा सा रेजोनेंस जोड़ के देखते हैं, सब धीरे धीरे जोड़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां हाइपर कंजुगेशन कहने का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन को एससी भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना चाहते हैं, मोर डिटेल हाइपर कंजुगेशन का जीओसी में, जिसका जरूरत है वो सिखा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आप नहीं जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, आप सिर्फ जोड़िए अल्फा हाइड्रोजन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है तो डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन पर, हम नहीं जानते हाइपर कंजुगेशन क्या है, पर अल्फा हाइड्रोजन तो जोड़ने जानते हैं। जरा देखिए,
इस तरह से अगर डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है वो सिखा देते हैं आपको। आप क्या कीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये फंक्शन ग्रुप हुआ, बगल वाला कार्बन अल्फा है, इसके हाइड्रोजन को जोड़िए। यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहां थ्री अल्फा हाइड्रोजन, और यहां देखिए डबल बॉन्ड है, ये फंक्शन ग्रुप है, तो दोनों साइड तो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस तरह से बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन रहता, ध्यान दीजिएगा जरा कैसे कनेक्ट करें वो देखिए। ऐसा क्वेश्चन रहता, ये कीटो फॉर्म है, अब इसके पास तो दो तरफ से अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है और यहां भी है। अगर हम 1 2 3 लेते तो टोइटोमेरिज्म तो ऐसे बनता, एक टोइटोमर तो ये बनता, और इधर से लेते 1 2 3 ऐसे भी तो ले सकते थे, 1 2 3 तो एक ये बनता, अब तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अब तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है। ध्यान दीजिएगा अभी भी बॉन्ड एनर्जी किसका मजबूत है इन सभी के मुकाबले, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, 1 तो पहले ही रहेगा, पर असल लड़ाई इस दोनों में है। इसको हम लोग मेजर और माइनर करके भी बना सकते थे कि अगर इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे टोटोमर्स के तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसको कहेंगे मेजर, जिसका कम होगा उसको कहेंगे माइनर। मतलब परसेंटेज कहने का मतलब क्या, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। तो यहां देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर तीन अल्फा, तीन अल्फा, टोटल कितने 6। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कितने अल्फा हो गए, मात्र 2, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा स्टेबल है, तो इसके बाद लिख देंगे 2, तब हो जाएगा 3। अगर मेजर और माइनर करने के लिए कहता तो इस कीटो फॉर्म के लिए ये जो इनॉल फॉर्म है वो मेजर होता और ये माइनर होता, मेजर और ये माइनर। एक और केस देखो, अगर यहीं पर CH3 है, दो टोइटोमर्स बना देते हैं, एक इधर भी एक इधर भी दिखना चाहिए, इसके पास कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इधर 2 इधर 1, क्लियर? क्या लिखेंगे, अगर इधर से माइग्रेशन होता 1 2 3 ये स्ट्रक्चर बनता, और इधर से माइग्रेशन होता ये हाइड्रोजन यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, तो ये स्ट्रक्चर बनता। ज्यादा नीचे कर देंगे तो दिखेगा नहीं। अब इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसको हम लोग 2 कर देते हैं, इसको हम लोग 3 कर देते हैं। अब ऑर्डर निकालना है, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ये तो मजबूत होगा ही, तो अब अल्फा हाइड्रोजन जोड़ना है, ये डबल बॉन्ड है तो ये 3 अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा, 5 2 7, ये डबल बॉन्ड है, 2 अल्फा और 1 अल्फा कितने होंगे, 3, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 1 तो मोर स्टेबल है ही, उसके बाद कौन हो जाएगा 2, उसके बाद कौन हो जाएगा 3। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेजर, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनर। क्लियर? यानी इसकी परसेंटेज ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज कम होगा, होगा तो कुछ ना कुछ जरूर ही, डाउट है कहीं पर, क्लियर है? तो पहले एक बार नोट करें तो फिर आगे का एग्जाम्पल बताते हैं, नोट कीजिए। लिख लिए, मिटाया जाए। अब थोड़ा रिजोनेंस का एंट्री कराते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आराम से सीख जाइएगा, घबराने का कहीं कोई बात नहीं है। दिक्कत हो रहा है क्या? यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब सीख जाइएगा। रिजोनेंस कंजुगेशन, रिजोनेंस या कंजुगेशन,
ध्यान दीजिएगा, यहां खोजना है आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अभी के हिसाब से क्या हम लोग बिना जीओसी पढ़े दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड खोजिए। जहां अल्टरनेट पाई बॉन्ड इस तरह से दिखेगा वहां कंजुगेशन होगा, और जहां कंजुगेशन होगा वहीं पर रेजोनेंस एस्टेब्लिश होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये मोटा मोटी दिमाग में रखिए, हाइयर द रेजोनेंस एनर्जी। अब तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है आप नहीं समझते हैं, तो आप लिखेगा हाइयर द नंबर ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के जगह पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। हाइयर द रेजोनेंस एनर्जी मींस हाइयर द स्टेबिलिटी, हाइयर द स्टेबिलिटी, ये समझ के रखिए। नंबर ऑफ रेजोनेंस का मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब चीजें आप लोग सीखिएगा कहां, जीओसी में। अभी देखिए हाइयर द रिजोनेंस मतलब रिजोनेंस नहीं समझते, आप खोजिए कितने अल्टरनेट पाई बॉन्ड हैं, जहां ज्यादा होंगे वहां ज्यादा रिजोनेंस होंगे और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बस इतने समझिए आप अभी। तो अगर हम कहें कि देखो ये इस तरह से डबल बॉन्ड है, क्या दिख रहा है, तो आप कहिएगा सर यहां पर एक अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है। हम बोले अच्छा अब बताओ क्या दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर दो, क्या बोलिएगा, दो पाई सिग्मा पाई एक यहां और पाई सिग्मा पाई एक यहां, क्या हो गया यहां पर दो हो गए कंजुगेशन, थोड़ा बड़ा कंजुगेशन दिख रहा है, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक और जोड़ देते इस तरह से रिंग बना के, एरोमेटिक भी बना देते, एरोमेटिक होने के चलते रिंग होने के चलते इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो है, उसको भूल जाइए अभी आप। अभी आप ये समझिए कि पाई सिग्मा पाई एक कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई दूसरा, पाई सिग्मा पाई तीसरा, तो इसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, फिर समझिए आप, अगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो यहां पर सिर्फ एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम बनाना चाहते, ये सब सीखिएगा, पर यहां क्या है, दो पाई सिग्मा पाई भी है, उससे ज्यादा यहां पर है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, और यह भी दिमाग में रखना है कि रिजोनेंस का जो इफेक्ट होगा वो हाइपर कंजुगेशन से बड़ा होगा, यानी रिजोनेंस का जो इफेक्ट होगा, रिजोनेंस एनर्जी जो होगा वो हाइपर कंजुगेशन एनर्जी से ज्यादा मजबूत होता है। मोस्टली टाइम यही होता है, मेजोरिटी टाइम में यही होता है। तो चले आगे इसका खेला करने के लिए, ये बात तो समझ में आ गया, क्या देखना है कि जहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे वहां कंजुगेशन होगा, और जहां कंजुगेशन होगा वहां रिजोनेंस होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वहां ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर, देखा जाए कैसे काम करता है, सब समझ जाइए। जीओसी सीखे रहते तो इतना बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पर नहीं सीखे हैं घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे दिया हुआ स्ट्रक्चर, यहां पर एक एरोमेटिक रिंग दे दिया CH2CO CH2CH3, देखो तो कीटो फॉर्म है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 1 2 3 इधर भी मूव कर सकते थे और 1 2 3 इधर भी मूव कर सकते थे। तो अगर इधर मूव करते, ध्यान दीजिएगा, इधर मूव करते तो CH डबल बॉन्ड, यहां से H जाता, यहां से डबल बॉन्ड आता, बॉन्ड का शिफ्ट कर दीजिए 1 2 3, क्लियर, और इधर से जाते तो ये वाला केस क्या आ जाता, ये हाइड्रोजन यहां जाता और ये डबल बॉन्ड यहां आता, अभी भी कार्बोनाइल ग्रुप, चूंकि बॉन्ड एनर्जी का बात है तो अभी भी स्टेबल कौन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहां पर क्या है
कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, असल कहानी तो इसी दोनों में है, वन तो पहले ही बॉन्ड एनर्जी के चलते स्टेबल है, अब यहां कहानी है, जरा देखो कैसे सुलझाना इस कहानी को, क्लियर। अब यहां जो देख रहे हो तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन दो है, और साथ में क्या है पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, यानी रिजोनेंस का सपोर्ट मिल रहा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ क्या है इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहां दो अल्फा हाइड्रोजन, यानी पांच अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। आप बताओ अभी सिखाए हैं कि रिजोनेंस का जो इफेक्ट होगा वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होगा, इसलिए इस दोनों स्ट्रक्चर इस दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल की बात किसकी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, यानी इसको हम लोग मेजर कहेंगे, उसको हम लोग माइनर कहेंगे, इसका जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा किसका उसके रिस्पेक्ट में। और यहां चूंकि डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो मजबूत होगा ही, क्लियर है कहानी, कहीं पर दिक्कत समझ रहे बात को। अब थोड़ा ब्रिज कॉन्सेप्ट ले आते हैं, समझने में आसान होगा और भी, नोट कीजिए इसको। तो ब्रिज कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आपके सामने, ब्रिज कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं यहां पर, ब्रिज कॉन्सेप्ट का जिक्र एक बार कर चुके हैं, कहां पर याद करो जो कंडीशन सिखा रहे थे वही केस को उठा लेते हैं यहां पर। टोटमिज्म इज पॉसिबल, क्यों पॉसिबल होगा जान रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये ब्रिज वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ब्रिज एटम है, बायसाइक्लो में ब्रिज एटम होता है, क्लियर। अब यहां पर भी दो हाइड्रोजन है, क्लियर, और एक इधर भी बना दिए, तीन स्ट्रक्चर हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। कंडीशन में क्या बताए थे, क्या ब्रिज वाला हाइड्रोजन मूव करेगा, याद करो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, sp2 कहने का मतलब क्या, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, और जैसे ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ध्यान दीजिएगा ट्रायगोनल प्लेनर होने के लिए इस तरह से चाहेगा ओपन होने के लिए, और ये ओपन होना चाहता तो ये ब्रिज तो टूट जाता, यानी इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहेगा, ये तो एकदम 0% ही आएगा। तो अगर हम बना के दे दिया तो पूछिएगा मेजर कौन है, ये स्टेबल है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे स्टेबल तो वन है ही, वन के बाद टू, और थ्री तो बनना ही नहीं चाहिए, अगर क्वेश्चन दे दिया है तब तो ऑप्शन में लिख देंगे थर्ड है, पर ये बनना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि सिखाए हैं कि अगर ब्रिज एटम में कार्बन एटम की संख्या 8 या 8 से कम हो, इन बायसाइक्लो हो, और टोटल कार्बन एटम की संख्या 8 या 8 से कम हो, तो वैसे केस में ब्रिज पर पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल, याद करो पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रिज एटम पर संभव नहीं है, ब्रिज एटम पर संभव नहीं है, उससे ब्रिज हाईली स्ट्रेन महसूस करेगा, वो टूटने के कगार पर आ जाएगा, क्लियर है ना, समझा चुके हैं। अगर इसी क्वेश्चन को और इस रूप में लेके चले हम लोग, एक क्वेश्चन और बना दें ब्रिज से रिलेटेड, देखते जाइए, एक क्वेश्चन और बना देते हैं ब्रिज से रिलेटेड, अगर इस तरह से रहता, ध्यान से देखो यहां पर भी तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, माइग्रेशन कैसे होगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसे होगा, और यहां भी होगा, वन टू थ्री हो, क्लियर। अगर ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, अब तो ये बायसाइक्लो तो ब्रिज एटम है, ये ब्रिज एटम है,
और टोटल कार्बन एटम की संख्या अगर आप देख रहे हो तो लेस देन 8 है, संख्या है कितना 7। क्या इस ब्रिज पर डबल बॉन्ड संभव है? डबल बॉन्ड संभव है? यहां पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी रिंग स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तनाव महसूस करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि डबल बॉन्ड तो मोर स्टेबल होता ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो मोर स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो 1 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? 2 से। और ये तो होना नहीं चाहिए, पर आप चाहते नहीं सर हमको फिर से समझाइए कैसे एंगल स्ट्रेन आया। बोले ठीक है, इसको लाते हैं वापस, समझिए इसको। इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी sp3 है इस कार्बन का, तो यानी बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। इस पूरे पार्ट को देखिए, पर हकीकत में है क्या ये 60 डिग्री? कितना है 60 डिग्री। तो पहले ही तो एंगल कम है, एंगल दबाने से क्या होता है ध्यान से देखिए, अगर कोई 109 डिग्री 28 मिनट पर रहना चाहता है तो इसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सिव फोर्स था जो 109 डिग्री 28 मिनट पर मिनिमाइज था। जैसे इसको नजदीक लाइएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में फैटम फैटिंग करेंगे, तनाव होगा, तनाव किसके चलते हुआ? एंगल घटाने के चलते हुआ, इसलिए इसको कहते थे एंगल स्ट्रेन, रिंग के अंदर हो रहा है इसलिए रिंग स्ट्रेन। पर अगर हम इसमें ये वाला केस ला देते टोटोमेरिज्म करके, ये वाला केस ला देते, आप दूसरे एंगल से भी समझिए, ये वाला केस ला देते हैं, अब तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या sp2। sp2 होने के लिए इसको चाहिए 120 डिग्री एंगल, है ना, और यहां है कितना 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन पहले 109 से 60 जा रहा था, अब 120 पर रहना चाहता था, 60 आप कर दिए हैं, तब तो ज्यादा फोर्स ना लगाए हैं यहां पर, दबाव दिए हैं, तब तो ज्यादा तनाव रहना यह है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है और होना भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होगा 1, क्यों? तो स्टेबिलिटी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मोर स्टेबल है, देन 2 देन 3। कोई दिक्कत? एक और केस दिखाते हैं जहां पर इसका कंडीशन नहीं लगता है, वो वाला केस दिखाते हैं। देखिए ऐसा भी तो कर सकते थे हम लोग, अभी भी बायसाइक्लो है, अभी भी ब्रिज एटम है, देखिएगा अभी भी बायसाइक्लो है, ब्रिज एटम है, और दो कंडीशन है, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, क्लियर? तो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अल्फा, ये अल्फा, अगर यहां से हाइड्रोजन मूव करेगा, यहां से हाइड्रोजन मूव करेगा, थोड़ा आवाज बाहर से आ रहा है बंद कर दिए, यहां से हाइड्रोजन मूव करेगा तो ये बनेगा, और यहां से मूव करेगा ये होगा, क्लियर? अब ये हाइड्रोजन के साथ कंडीशन क्या है जरा देखो, ये ब्रिज है, यहां भी ये ब्रिज एटम है, यहां क्या है ब्रिज एटम है, क्लियर? पर इसके हाइड्रोजन मूव कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले से ही देखो अगर ये sp2 हुआ तो ये ट्रिगोनल प्लेनर पहले से ही मेंटेन कर रहा है 120 डिग्री का एंगल, तो यहां पर स्ट्रेन नहीं है, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन, क्लियर? इसलिए यहां कंडीशन क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या जो है वो 6, 4, 10 हो चुका है। वो बार बार कह रहे हैं कि जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से कम हो तब ऐसा केस सोचिएगा, यहां तो 10 है, दिख रहा है ना? अब देखो कि अगर यहां आता डबल बॉन्ड तो इसके पास 2 अल्फा ये और 1 अल्फा ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होता, पर ये डबल बॉन्ड यहां आ रहा है तो ये 2 अल्फा 1 अल्फा और 2 अल्फा, देखो यहां 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 होगा और यहां 2 होगा, तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए 2 बॉन्ड है तो 2, यहां 3 बॉन्ड पूरा है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन 2, तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो मोर स्टेबल होगा ही, ये तो 1 होगा, इसका नाम 2 रख दिए, इसका नाम 3 रख दिए, 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही, पर इस दोनों ने पूछा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या कहोगे भैया? या क्यों? तो हाइपर कंजुगेशन 2 कहते 3, फिर क्या कहिएगा 2, ये 3 है ना, इसलिए 1 के बाद 3 फिर 2,
क्लियर समझ गए, ब्रिज वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसमें रिजोनेंस भी समझ गए, हाइपर कंजुगेशन भी समझ गए, ठीक है। पहले नोट कीजिए तब आगे की बात करते हैं। नोटेड। लिख लिए, मिटाएगा। अब चलेंगे एरोमेटिसिटी के तरफ, किधर मूव करेंगे, एरोमेटिसिटी के तरफ। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक वर्ड को तो पहले से ही समझा रहे हैं, जब से ऑर्गेनिक बता रहे हैं कि एरोमेटिक कहने का मतलब होगा मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड चाहता है कि हम एरोमेटिक हो जाएं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ये मोर स्टेबल है। अगर कहीं पर भी एरोमेटिसिटी गेन करने का, यानी एरोमेटिक कंपाउंड होने का कोशिश, यानी एरोमेटिक होना चाह रहा है और हो रहा है, तो तुरंत मूव करना चाहेगा, है ना। ये दिमाग में सेट कीजिएगा। जैसे जरा देखो, अगर मौका लगेगा कि एरोमेटिक हम हो सकते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, बस वो कन्वर्शन सबसे फास्ट होगा। अब ये देखो, अभी तक हम लोग जितना फॉर्म देखे वहां पर कीटोन ही ज्यादा स्टेबल होता था, पर एरोमेटिसिटी के चलते, जरा देखना यहां पर, एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाते हैं। शिफ्टिंग कैसे कराओगे, 1 2 3 1 2 3, ये यहां गया, ये यहां आया, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, ऐसे तो ये फिनॉल है, ये एरोमेटिक है। अब इस दोनों में स्टेबिलिटी की बात होता, अगर इसको हम 1 कहते, इसको 2 कहते, तो एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल कुछ होता नहीं है, तो 2 ग्रेटर देन 1, और यही अप्रॉक्स 100% के तरफ आ जाता है, पूरा शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या समझता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कंपाउंड। आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, अभी तो बेंजीन देख के पहचान जाओगे, जहां और जरूरत होगा कंडीशन लिखेंगे। ये तो सबके दिमाग में सेट है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए यहां डिस्कस नहीं किए। अगर ऐसा केस रहता, गामा पोजीशन से हाइड्रोजन मूव किया है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 से ज्यादा स्टेबल किसका हो गया, 2 का, और ये लगभग कितने परसेंट हो जाएंगे, 100%, क्या दिक्कत है, ये क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, क्लियर। इसी से एक मिलता जुलता आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये जब मोर स्टेबल हुआ तब तो ये लीस स्टेबल हो गया, ये क्या हो जाएगा, लीस स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप कैसे समझिए कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्वेश्चन तो यहां पर रहा ना। तो समझने का आसान तरीका देखिएगा, कंपाउंड तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिसिटी देख रहे हैं, साइक्लिक होगा, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कि हर एक कार्बन एटम या एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ओकेजनली किसी कदाल पर sp होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अवे करना चाहिए, ये कंडीशन है। आप भूल जाइए इस कंडीशन को, हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसका यूज कीजिए। आप देखिए कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो मोटा मोटी वो प्लेनर होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6-7 तक एकदम आराम से कर सकते हैं, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप sp2 sp होगा ही, क्लियर है। सिर्फ आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ऑड है, पाई बॉन्ड ऑड है, ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है, आंख बंद करके कह दीजिए कि वो एरोमेटिक है। देखो साइक्लिक दिखा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखा, हर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ही, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। पाई बॉन्ड की संख्या देखो, 1 2 3 ऑड है, एरोमेटिक है, क्लियर। एंटी एरोमेटिक वाला बताइए तो जहां ऑड नहीं होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। सर करके दिखाइए जरा, एंटी एरोमेटिक कैसे होगा, जरा देखो ये फॉर्म दिया हुआ है,
ध्यान से देखना, क्लियर, साइक्लिक दिख रहा है, यहां पर दो हाइड्रोजन भी हैं, एंटी एरोमेटिक मतलब होना ही नहीं चाहता है, कोई चाहेगा कि अब जान बुझ के लिस्ट स्टेबल बने, है ना, इसलिए होना ही नहीं चाहता है। अब देखो, ये देखो इनोलाइजेशन होगा, हाइड्रोजन यहां डबल बॉन्ड यहां, क्लियर, कंपाउंड साइक्लिक है, कहेगा हां सर, प्लेनर है, जी सर, क्यों, तो हर एक का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, वेरी गुड, पकड़ लिए, कंजुगेशन है, कहिएगा जी सर, क्योंकि अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबका एसपी टू है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कहिएगा ना सर, यहां तो इवन है, दो पाई बॉन्ड है, इवन पाई बॉन्ड है, तुरंत कह दो ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक फोरन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अवे करता है, ये क्या है, तो ये सब तो जीओसी में डिटेल से सिखाएंगे ही, पकड़ लिए ना कि ये क्या है, तो भैया आपको, आप सबसे लिस्ट स्टेबल हैं, आपको पाप लगा हुआ है, आप ऐसा नहीं होना चाहते हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला, तो ऊपर वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, कन्वर्शन होना चाहेगा क्या, तो ये 100% रहना चाहेगा इस रूप में, इधर तो जाने नहीं चाहेगा, क्लियर, समझ रहे हो, नोट करो, आगे की बात बताते हैं। कोई दिक्कत, पकड़ लीजिएगा, एरोमेटिक क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एसपी टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये सब तो तुरंत दिखेगा, ऐसे सिस्टम कहता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो अवेक करेगा वो एरोमेटिक होगा, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अवेक करेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, इसके चक्कर में अभी हमको पढ़ना नहीं है, सीधे देखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो एरोमेटिक होगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा एंटी एरोमेटिक होगा, शर्त देखना है कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेशन हो, और हर एक जगह हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू या ऑकेजनली कहीं पर एसपी हो, बस इतना ही देखना है। चले केस को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक केस क्या करना चाह रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन पूछते, ये वाला फॉर्म रहने देते, ये कहेगा कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हो इसमें 0% अप्रॉक्स इनोलाइजेशन होता है, और इसी में जब हम लोग इस तरह से, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है ये, इस तरह से दिया हुआ है, तो यहां 100% इनोलाइजेशन होना चाहता है, ऐसा क्यों, ये तो समझ गए कि ये एंटी एरोमेटिक है, बनना चाहेगा नहीं, इसलिए ये अप्रॉक्स 100% था, इसमें क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए, यहां पर भी तो दो हाइड्रोजन है, फिर से बना देते हैं आंसर में, यहां दो हाइड्रोजन है, मूव करेगा कि नहीं करेगा, आराम से करेगा, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, कंफ्यूजन, तो क्या करना चाहिए, बना दिए, कोई दिक्कत, अब ये बताओ क्या इसको हम लोग रिजोनेंस के माध्यम से इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस डबल बॉन्ड OH, क्लियर, साइक्लिक दिखा, बोलेगा हां सर, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कंजुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव भी होता है, खाली अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव भी होता है, और जहां किसी कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एसपी टू, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू एसपी टू एसपी टू एसपी टू, कंजुगेशन क्या है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है, साइक्लिक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है, एसपी टू हर एक जगह हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेनर तो दिख ही रहा है कि प्लेनर होगा ही, यानी साइक्लिक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है, एसपी टू है, प्लेनर है, ऑड और इवन चेक करो, कितने पाई बॉन्ड, एक ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड,
और जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तब तो ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में तो कन्वर्शन कितना होना चाहेगा, 100%। तो इस फॉर्म में रहने की एबिलिटी क्या हो जाएगा, 100%। इसीलिए ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला जो कन्वर्ट होता है वो एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट होता, इसलिए इसका कन्वर्शन 100% की ओर है और ये होना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव कैसे कंजुगेशन है, तो घबराइए नहीं, बताइए कहां पर क्लियर कर देंगे, जीओसी में नोटेड, नोट कीजिए। तो आगे की बात करते हैं, लिख लिए, मिटा दे। अब कुछ क्वेश्चन पहले कर लें, तब आगे का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अब आगे डाइकेटोन बढ़ना है, तो पहले मोनोकार्बोनाइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एकदम, कहीं दिक्कत है। क्वेश्चन देखिए, क्या कन्वर्ट कर लोगे, 1, 2, 3 तो बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत कन्वर्शन होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसके इनऑल कंटेंट को, इसके परसेंटेज को एक्स, इसके परसेंटेज को वाई, इसके परसेंटेज को जेड कहे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इनऑल कंटेंट। Find the order of enol contents in XYZ. किसका order क्या होगा? इसमें तो ये बात तो तय है, अगर इसको हम 1 मानते, सबको 1 मानते, इसको 1 मानते और इन सभी को 2 मानते, हम स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं। ये तो पता है कि 1 > 2 सब में है। हमें यह बताइए इस तीनों में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, है ना? अब ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को 3 अल्फा हाइड्रोजन का सहायता है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। यहां है क्या? नहीं, ये हाइड्रोजन मत देखना, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वही तो हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा। और यह जो डबल बॉन्ड देख रहे हो भैया, यहां 2 अल्फा और यहां 1 अल्फा, सॉरी यहां भी 2 अल्फा, तो टोटल कितने अल्फा हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका परसेंटेज स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा, तो परसेंटेज किसका ज्यादा है, तो हाइपर कंजुगेशन सजेस्ट कर रहा है कि जेड का परसेंटेज वाई से ज्यादा है, वाई का परसेंटेज एक्स से ज्यादा है। क्लियर, कैसे किए समझ में आया? ये तो तय है कि अगर स्टेबिलिटी कहते, इस दोनों में परसेंटेज पूछते तो ये सबसे ज्यादा होता और अप्रॉक्स 100% की ओर अचीव करता, पर इस तीनों में पूछ रहे हैं कि बताइए कि तीनों में परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे आपस में। तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं से स्टेबलाइज हो रहा है? नहीं, ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2, 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए जेड ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, है ना? कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। यहां है, अगर हमको इसका परसेंटेज कर लेते हैं एक्स, इसका वाई, इसका जेड, ऑर्डर बताना है, बता सकते हैं अब तो। अगर इसको हम 1 करते, इसको 2 करते, इसको 1 करते,
इसको टू करते, इसको वन करते, इसको टू करते, तो वन इज ग्रेटर देन टू, ये बात तो तय है, वन इज ग्रेटर देन टू, पर यहां एरोमेटिक हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, टू इज ग्रेटर देन वन। अब देखो यहां इसको सहारा सिर्फ किसका है, चार अल्फा हाइड्रोजन का, जिससे स्टेबलाइज हो रहा है, पर यहां पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, क्या बताए थे, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कंजुगेशन है ना, और यहां क्या है, चार अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन, यहां कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस है, और यहां तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, यहां कंजुगेशन है, और यहां सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मानेंगे किसका, कंजुगेशन का, कंजुगेशन से ज्यादा किसका मानेंगे, एरोमेटिसिटी का, क्लियर है। इसलिए अगर यहां परसेंटेज करता है इसी तरह से, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट इन एक्स वाई जेड, देन क्या करते, जेड इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, क्लियर, कैसे किए समझ में आया, इसको सहारा किसका था, हाइपर कंजुगेशन को, इसको क्या है, कंजुगेशन है, और ये क्या है, एरोमेटिसिटी है, नोट कीजिए, और क्वेश्चन कराते हैं, नोटेड। लिख लिए, आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते, तब तो समझ में आएगा सब कुछ, कोई दिक्कत, देखिए यहां पीएच दिया हुआ है, यहां सीएच थ्री दिया हुआ है, यहां कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है, सब में मेजर माइनर था, तो सिर्फ मेजर वाला सबका प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसमें एक ही तरह का बनता, क्या करते, वन टू थ्री, यहां हाइड्रोजन है, वन टू थ्री यहां जाता, ये यहां आता, बना देते, पीएच यहां करते, यहां भी एच था, वन टू थ्री यहां जाता, ये यहां आता, क्लियर, तो क्या कर देते, क्लियर, यहां भी वही चीज होता, यहां तो दो दो हाइड्रोजन है, ये यहां जाते, डबल बॉन्ड यहां आते, कोई कंफ्यूजन, तो आराम से ठीक, इसका परसेंटेज एक्स हो जाता, इसका वाई हो जाता, इसका जेड हो जाता, ठीक। अब ये पीएच है, पीएच मतलब क्या, फिनाइल रिंग, इसको आप ऐसे समझिए, फिनाइल रिंग है ना, तो ये रिजोनेंस में जाएगा, पाई सिग्मा पाई रिजोनेंस में जाएगा, घूमता रह जाएगा, और यहां क्या है, तीन अल्फा, दो अल्फा, दो अल्फा, चार तीन सात अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां क्या है, डबल बॉन्ड, दो अल्फा चार अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत, तो यहां मिल क्या रहा है, कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, रिजोनेंस, यहां क्या मिल रहा है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, गिन तो लोगे, यहां दो, यहां दो, यहां तीन, एक सी एस थ्री के चलते, और यहां क्या है, यहां भी हाइपर कंजुगेशन है, पर ऊपर वाले से थोड़ा कम है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए, किसका, इनॉल कंटेंट का, इसका कंटेंट एक्स परसेंट, इसका वाई, इसका जेड, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, जहां कंजुगेशन होगा, जहां रेजोनेंस होगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड। डाउट, अगर हमको कहता कि ये वन है, ये टू है, इस दोनों में स्टेबिलिटी बताइए, तो अभी भी वन इज मोर स्टेबल देन टू, ये वन है, ये टू है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू, इस दोनों में भी ये वन है, ये टू है, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू,
पर हमको पूछ क्या रहा है, इस तीनों को कंपेयर कीजिए एक्स वाई जेड, इसमें बताइए किसका इनऑल कंटेंट परसेंटेज ज्यादा है, तो एक्स का। क्यों? क्योंकि यहां कंजुगेशन का सपोर्ट है, रेजोनेंस का सपोर्ट है, वो भी बड़ा कंजुगेशन का सपोर्ट है। यहां क्या है? हाइपर कंजुगेशन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कितना है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? नोट किया जाए। तब अब चलते हैं डाइकीटोन के तरफ। ये सब मोनोकीटोन का कहानी था, नोट कर लिए, मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। डाइकीटोन, कंफ्यूजन कहीं पर? देखते जाइए, डाइकीटोन, वो भी क्या? एडजेसेंट डाइकीटोन, लगातार जब हो, है ना? डाइकीटोन मतलब दो कार्बोनाइल ग्रुप हो जाए, टू कार्बोनाइल ग्रुप, ध्यान देना है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इसके पास लॉन्ग पेयर होंगे कि नहीं होंगे? कहिएगा हां होंगे, लॉन्ग पेयर होंगे। अब इस लॉन्ग पेयर के बीच कैसा फोर्स होगा? तो लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों के बीच में फैटम फैटिंग चल रहा है, डिसम डिसम, तब तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। और यहां तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 है, यानी ये क्या है? CH3 है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है दोनों साइड। ये क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो क्या चाहेगा कि लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स लगता रहे कि मिनिमाइज हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन तो हो सकता है, तो यहां फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो पहले ये रोटेट कर जाएगा, जैसे रोटेट करेगा ये ऐसा हो जाएगा। इस रोटेशन से क्या हुआ? ये अब दोनों के बीच जो लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड आराम से फ्री रोटेशन हो सकता है। क्लियर है? ये बात को समझिएगा। अब जरा देखो, यहां पर तीन CH3 था, CH3 है, एक कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन था, इसको हम लोग क्या करते, 1 2 3 यहां जाता, ये डबल बॉन्ड यहां आता, कर सकते थे। ऐसे लिख सकते थे, क्लियर? चार पॉइंट पूरा है। अब ये 1 है, ये 2 है, पूछा कौन ज्यादा स्टेबल, तब तो यहां पर डिपेंड करेगा किस पर, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो तो मजबूत होता है, किससे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो 1 ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर? 2 के। और ये लगभग लगभग आपको दिखेगा अप्रॉक्स 100% के आसपास आ जाएगा, है ना, इसका परसेंटेज कम होगा। पर इसी में एक केस आता है साइक्लिक का, ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक का केस आता है, इस तरह से हो जाता और इसके पास लॉन्ग पेयर होते हैं, तो इसके भी लॉन्ग पेयर तो आपस में फैटम फाइटिंग करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, यहां भी लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स होता है, लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स होता है। तब तो आप कहते यहां भी रोटेशन हो जाना चाहिए था, पर यहां रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन लॉक है, नो फ्री रोटेशन पॉसिबल, नो फ्री रोटेशन पॉसिबल। जब भी रिंग बनता है तो वहां फ्री रोटेशन संभव नहीं है, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये 3 मेंबर रिंग है, यहां 5 मेंबर रिंग है, ये रिंग बन चुका है, अब इसको घुमा नहीं सकते हैं, लॉक है रोटेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन संभव नहीं है। क्लियर समझ रहे बात को? तो यहां रोटेशन था इसलिए घूम गया, यहां रोटेशन क्या है? लॉक है रिंग के चलते। तो जब रोटेशन लॉक हो गया तब तो बेचारा छटपटा रहा है, फैटम फैटम लग रहा है, तब तो चाहेगा कि तुरंत हम लोग इनऑल कंटेंट में कन्वर्शन हो जाए,
तो ये चाह रहा है कि तुरंत हमारा इनॉल में कन्वर्शन हो जाए, इसको इधर लिख देते हैं वन स्टेबल देन टू, तुरंत चाह रहा है कि इनॉल में कन्वर्शन हो जाए। तो यहां से हाइड्रोजन मूव कराएगा, ब्लू पेन किधर है, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड जाएगा। अब जैसे यहां पर गया ये OH हुआ, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये फॉर्म आ गया इस तरह से। अब देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इसको किसका मिलने लगा, यहां लॉन्ग पे रिपल्सिव फोर्स था, यहां रिपल्सिव फोर्स नहीं है, मिनिमाइज हो गया। इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है ये, और उतना ही नहीं यहां देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके बीच में एच बॉन्डिंग लगने लगा। क्या लगने लगा? एच बॉन्डिंग। वो भी कैसा एच बॉन्डिंग? इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग भी आ गया, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है ना। अब यहां पर इसमें वन मानते, इसको टू मानते, तो टू देखते कि बहुत ज्यादा स्टेबल है वन से, तो रीजन क्या हो जाता? तो पहला रीजन हो जाता कि यहां पर लॉन्ग पे रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग लग गया। एच बॉन्डिंग लगने से कितना मेंबर रिंग बन रहा है? तो देखो एच बॉन्डिंग लगने से यहां फाइव मेंबर रिंग बन रहा है, और जब भी एच बॉन्डिंग लगने से रिंग फॉर्मेशन होता है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड काइलेशन, उसको हम लोग कहते हैं काइलेशन, और काइलेशन हमेशा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये कारण है कि वन से ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? टू। ये इस फॉर्म में ना रहा कि इस फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा, पर यहां कौन ज्यादा स्टेबल था? वन। देख लो सेम कहानी है, रिंग हो गया तो कहानी पलट जा रहा है। एकदम एक एक करके सावधानी से रीजन समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रीजन समझ में आ रहा है कि यहां रोटेशन लॉक था, इसलिए लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रहे थे, तो उसको कम करने के लिए इनॉलाइजेशन में चला गया, टोटोमराइजेशन में चला गया। अब टोटोमर जैसे ही बना, इनॉल फॉर्म जैसे ही बना, यहां क्या हो रहा है? पाई सिग्मा पाई तो कंजुगेशन था ही, एच बॉन्डिंग लग गया, एच बॉन्डिंग से काइलेशन हो गया, लॉन्ग पेयर रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर? अब चलते हैं 1,3 डाइकीटॉन में, यानी बीटा डाइकीटॉन में चलेंगे। क्लियर? नोट कीजिए इसको। लिख लिए, आगे चले, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, बीटा डाइकीटॉन, 1,3 डाइकीटॉन की तरफ चलेंगे। क्लियर? 1,3 डाइकीटॉन की तरफ। बीटा डाइकीटॉन, ठीक है, जरा देखा जाए। क्लियर? ये जो CH2 है, इधर से भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता था, यहां से भी जा सकता था, पर इसको कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप। ये एसिडिक नेचर का होता है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है पहले भी बता चुके हैं आपको, इसलिए बेस डालेंगे तुरंत ये वाला हाइड्रोजन तेजी से मूव करेगा, दोनों साइड से डिग्रेडेंस से स्टेबलाइज होता है इसका कंजुगेट बेस, बात समझ रहे हैं। अगर बेस डालते हैं तो कौन सा हाइड्रोजन फास्ट मूव करता है? ये वाला। अब जरा देखो टोटोमराइजेशन कर देते हैं, यहां से भी हो सकता था, ये बना, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि इसका परसेंटेज 24% है और ये 76% है। कैसा है इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब थ्योरेटिकल में हम समझा रहे हैं क्यों इसका परसेंटेज ज्यादा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझते हैं। हर एक कार्बन का यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 होगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। क्लियर?
अब ये H प्लस है माइनस, कौन सा बॉन्डिंग लगा? H बॉन्डिंग। देखो क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो यहां क्या मिल रहा है, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। इस मोलिकुलर इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग से क्या हुआ, सिक्स मेंबर रिंग बने, और सिक्स मेंबर रिंग बनने से क्या हुआ, कायलेशन हुआ। कायलेशन तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और आप जानते हैं कि फाइव मेंबर से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, सिक्स मेंबर। फिर ये क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन तो था ही, और क्या दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये तीन अल्फा हाइड्रोजन, थ्री अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज है। तो ये सब फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, क्लियर समझ रहे हैं ना, इसके कारण से इसका परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। डाउट कहीं पर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग तो कहिएगा, सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है, फाइव मेंबर से ज्यादा स्टेबल होता है सिक्स मेंबर रिंग, कायलेशन हो रहा है, कायलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, और इसका कंजुगेशन लॉन्ग रेंज कंजुगेशन होता है। अगर यहां से लॉन्ग पेयर देखते तो ये यहां आता, ये यहां जाता, ये यहां जाता, कंजुगेशन का एक्सटेंशन ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्लियर है। तो इसके कारण इसका परसेंटेज ज्यादा है। पूछा वन और टू में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो टू ज्यादा स्टेबल है। और यहीं पर पीएच कर देते, पीएच मतलब सीएच थ्री की जगह पीएच कर देते, जरा देखते क्या होता है। अगर यहां पीएच कर देते ऐसे लिख सकते थे सब कुछ, तो कहानी उसी तरह का। अब जरा देखो, पीएच होता है फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग, कोई दिक्कत, H प्लस माइनस पाई सिग्मा पाई। अब ये जो कंजुगेशन है, यहां हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज था, यहां क्या है, कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है दोनों साइड से, है ना। तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि इसका परसेंटेज 84 हो जाता है, यानी वन और टू में ज्यादा स्टेबल कौन है, टू वाला, क्लियर है। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि यहां एक्सटेंडेड कंजुगेशन, बाकी सब तो यही कंडीशन यहां भी लग रहा है, पर यहां अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज था, यहां किससे हो गया, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन से स्टेबलाइज है कि नहीं है, डाउट नहीं पर। इसलिए यहां पर भी टू स्टेबल है, किससे, वन से, और परसेंटेज में देख रहे हैं इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया, क्लियर है। पहले नोट कीजिए तब आगे की बात करते हैं। देख लेते हैं नीचे दिखा कि नहीं, हम दिख रहा है सबको, लिख लिए, मिटाया जाए और एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें, तुम ज्यादा समझ में आएगा, कहीं दिक्कत है, क्लियर है। किसी किसी किताब में अगर इसका परसेंटेज कुछ अलग हो तो देखिएगा, किसी किताब में 96% भी दिया हुआ रहेगा, तो वो उतने परसेंटेज में नहीं जाना है हम लोग को, पर उससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात तो समझ में आ गया है। देखिएगा ध्यान से, आगे चलते हैं, क्लियर। देखो अगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, यहां भी जब देखेंगे तो ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, सेम कहानी बनेगा, OH डबल बॉन्ड, सब कुछ उसी तरह से, डाउट है कहीं पर, क्लियर है। तो अगर ये वन है ये टू है, पूछा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो वन से ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, टू का हो जाएगा,
कहीं कंफ्यूजन है? क्लियर समझ रहे बात को? अच्छा, अब जरा देखिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट कैसे लगाते हैं। अगर कहीं इस तरह से आ जाता, स्टेरिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, इस तरह से ग्रुप आ जाता CH3, क्लियर। अब टोटल डिजाइजेशन होगा, ये 1, 2, 3 यहां से हाइड्रोजन मूव करा देते हैं। जब मूव कराएंगे, जरा देखो, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, CH3 नीचे ही लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे, क्लियर। और ऐसे दिया हुआ CH3। अब देखो क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसके बीच कैसा बॉन्ड लग रहा है? एच बॉन्डिंग। इसके बीच कैसा बॉन्ड लग रहा है? एच बॉन्डिंग। सभी फैक्टर तो हैं, पर एक फैक्टर इसके एंटी जा रहा है। कौन? ये जो CH3 ग्रुप देख रहे हो, ये CH3 देख रहे हो, ये CH3 देख रहे हो, ये बड़ा बड़ा साइज का है, तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, स्टेरिक स्ट्रेन लगना शुरू होता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को घटाता है। क्या करता है? स्टेबिलिटी को घटाता है, स्टेरिक स्ट्रेन लग रहा है, जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो इसका जब परसेंटेज देखिएगा, तो ये 1 और 2 में तो पता चलता है कि 1 ही ज्यादा स्टेबल है 2 से, ये अप्रॉक्स 44% है, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंटली आ जाता है, तब हम लोग थ्योरेटिकली उसको समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। बाकी सभी फैक्टर काम कर रहे हैं, एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, कंजुगेशन काम कर रहा है, सभी फैक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए तो सफिशियंट अमाउंट में दिख भी रहा है ये, क्लियर है ना? डाउट कहीं पर? अगर जैसे जैसे ये ग्रुप को बड़ा करते जाएंगे तो स्टेरिक स्ट्रेन उतना ही ज्यादा लगने लगेगा। यानी स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? बल की साइज। जैसे जैसे इसका ग्रुप का साइज बढ़ेगा, इसके बॉडी के बॉडी टकराएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। तो सर एक करके दिखाइए, जरा देखिए, इसी में करें, ऊपर वाले में हम लोग करते क्या है, यहां पर एक बड़ा ग्रुप ले लेते हैं इस तरह से, ये समझ रहे हो क्या है, ये है, इसी को लिख रहे हैं इस तरह से, वो दिक्कत, ये डैश है, यही डैश है, ये कार्बन 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 कार्बन, क्या होगा? ऊपर भी उसी तरह का कन्वर्शन करते, ध्यान दो, सब कुछ इसी तरह से करते, ये H यहां जाता है, डबल बॉन्ड यहां आता, बना लेते हैं, अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर नीचे वाले थोड़ा मिटा लेते हैं, देखो क्या होता, सब कुछ तो उसी तरह से है, सब कुछ फैक्टर्स फेवरेबल है, पर ये बड़ा बड़ा जो ग्रुप हुआ, ये आपस में क्या करेंगे, बहुत जबरदस्त स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करेंगे, इसके चलते इसकी स्टेबिलिटी बहुत तेजी से घटने लगेगा। तो 1 और 2 में पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 1 ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर, 2 के, समझ रहे बात को ना, और ये अप्रॉक्स मतलब नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएगा, क्लियर समझ रहे हो? तो पहले एक बार फिर से नोट करो, तो आगे की बात बताते हैं, नोटेड, लिख लिए, मिटाए। अब आते हैं कीटो स्टर में, किसमें आ रहे हैं हम लोग, कीटो स्टर में, कीटो स्टर, ये तो सब कुछ सही रहेगा, CH2 C(O)OT, जो कीटो स्टर होता है ये वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका माइनस आयन इफेक्ट वीक होता है, इस लॉन पेयर के चलते है ना, जिसके चलते
इसकी जो एसिडिक नेचर है मेथिलीन ग्रुप का, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का, घट जाता है। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाकी सबके मुकाबले। अब कहेंगे सर ये क्या करता है, तो आप थोड़ा जीओसी का इंतजार कर लेना इसमें, है ना, क्योंकि बहुत कुछ अगर यहीं पर बताने लगेंगे तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, CH3OH डबल बॉन्ड CHOT। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, इसका परसेंटेज मात्र 7% है, तो ये 93% है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। तो रीजन क्या दे देंगे, वीकर नेचर, वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन, ये एस्टर वाला पार्ट, ये एस्टर वाला पार्ट किसके चलते होता है, खासकर इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर के चलते होता है। अब क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है यहां नहीं बता रहे हैं आपको, ये समझ लेना है, जैसे जीएससी में आएंगे तो प्लस एम माइनस एम डिटेल से सीखेंगे। तो अगर ऐसा केस रहता तो 1 ज्यादा हो जाता किसके कंपेयर 2 के, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, ओवरऑल एक चार्ट बना देते हैं, चार्ट में जितनी बातें समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो कहां क्लियर कर देंगे, जीओसी में। तो पहले इसको एक बार नोट कर लो, तो चार्ट ड्रॉ करते हैं। लिख लिए, अब चार्ट एक ड्रॉ कर देते हैं, जितना बात बताएं सबको एक चार्ट के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, कैसे इनॉल कंटेंट इंक्रीज कर रहा है वो देखते चलिए, है ना। एक पेन और ले लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट CH3C, ये देखे थे, अब इससे ज्यादा कीटोन वाला था, क्यों ये तो समझ सकते हो अल्फा हाइड्रोजन के चलते कई कंफ्यूजन, और इससे ज्यादा कीटो इस्टर में चले थे, 7% आ गया था OT, कीटो इस्टर था। यहां क्या लिखा था हम लोग, कीटोन हाइपर कंजुगेशन के चलते हुआ था, क्लियर। अगर हम लोग क्या करते हैं कि CH3 के जगह pH लगा देते हैं, फिनाइल रिंग, फिनाइल कीटो इस्टर कर देते हैं, क्लियर, डाउट है कहीं पर, इससे ज्यादा डाइअल में हो जाता, इस तरह से कर देते हैं, इसको डाइअल करते हैं, दो एल्डिहाइड है, और डाइअल में क्या करते हैं, एक तरफ तो एल्डिहाइड रहने देते हैं, यहां कीटोन कर देते हैं, CH3CO CH2, कीटो है इधर, कीटोन इधर, एल्डिहाइड कर दिया। अच्छा ऐसा क्या करते कि हम लोग यहां पर तो पीएच भी लगा सकते थे, इससे ज्यादा हो जाता, पीएच से ज्यादा पहले हम लोग CH3 ही लगा देते, दोनों तरफ कीटोन कर देते हैं, है ना, डाउट हो रहा है कहीं पर, एकदम लिखते चल जाइए। अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, फिनाइल रिंग लगाते हैं प्लस एम इफेक्ट के साथ, कोई दिक्कत, प्लस एम इफेक्ट के साथ। अब क्या कर देते हैं हम लोग, ध्यान से देखते चलो आराम से, दोनों साइड फिनाइल लगा देते हैं पीएच, दिख रहा है पीएच, पीएच में दोनों साइड फिनाइल लगा देते हैं। और क्या करते हैं, अब एक तरफ NO2 लगा देते हैं माइनस एम, कोई दिक्कत, एक तरफ क्या लगा देते हैं NO2 ग्रुप, अब जब हम लोग देखेंगे दिख रहा हुआ उम्मीद करते हैं, डाउट है, तो ये माइनस एम है, फिनाइल का देखे थे कहां तक लेते गए थे याद करो, 96% के आसपास लेके गए होंगे इसको, है ना, और
प्लस एम है तो थोड़ा घटा और माइनस एम है तो थोड़ा बढ़ा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इनॉल कंटेंट है, इनॉल कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, कैसे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बढ़ने से, इसके पावर के बढ़ने से या माइनस एम के बढ़ने से, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, रीजन समझ में आ रहा है, एक एक करके समझा चुके हैं आपको, कहीं दिक्कत होगा तो बताना है। यहां पर ये परसेंटेज कहां था, 7% था, फिनाइल हो गया तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन के चलते बढ़ गया, अब तो ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, क्लियर है, तो सबको एक एक बार बनाते जाओगे, कहीं कंफ्यूजन होगा पूछना भी है। तो एक छोटा सा सॉल्वेंट इफेक्ट और बता देते हैं तब इंड की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए। लिख लिए, मिटाया जाए, एक सॉल्वेंट इफेक्ट देख लेते हैं पहले। कोई दिक्कत, सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है जरा देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, टोइटोमरिज्म तो कर लीजिएगा, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं कैसे हुआ। सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, जैसे ये है वाटर, क्या करेगा इसको, ये माइनस है ये प्लस है, एच बॉन्डिंग से चारों तरफ से घेरने लगेगा, जब घेरने लगेगा तब तो जो माइग्रेशन वाला एच है उसके लिए तो जगह कम बन जाएगा यहां पर अटैक करने का, मूव करने का, चारों तरफ से कौन घेर लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तब ऐसे केस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, इनॉल परसेंटेज घटने लगेगा, इनॉल परसेंटेज डिक्रीजेस। तो इनॉल परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, तो यहां पर ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो एच बॉन्डिंग नहीं बनाता, देख रहे हो ना, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गया, चारों तरफ से घेर लिया, अभी इस एच को अटैक करने का जगह ही नहीं दे रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीज होगा, कहां, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो हम लोग ऐसे एक ऑर्डर लिख सकते हैं, क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वहां इनॉल ज्यादा होगा, जैसे जैसे पोलर सॉल्वेंट आएगा परसेंटेज ऑफ इनॉल घटेगा। तो अगर हेक्सेन है, क्या हो जाए आपको, हेक्सेन है तो उस केस में, हेक्सेन क्या होता है, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, इसमें ज्यादा परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा होगा, यानी परसेंटेज ऑफ इनॉल के हिसाब से लिख रहे हैं, तब बेंजीन, तब एसीटोन, तब एसीटोन, तब देखेंगे मीथेनॉल, तब वाटर, वाटर में सबसे कम। तो कभी आ जाए कि सॉल्वेंट दे दिया, पूछा किस सॉल्वेंट पे किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आराम से बना सकते हैं, क्लियर समझ में आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में दे दिया, एक बार बेंजीन दे दिया, एक बार वाटर दे दिया, तो बेंजीन में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर में इनॉल का परसेंटेज कम होगा, क्लियर है, कंफ्यूजन कहीं पर, नोट समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी सेंड करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया है, क्योंकि क्लासेस थोड़ा लंबा जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा पार्ट अब रह गया है, किस तरह का, जिसका और यूज होता है टोइटोमर्स में, तो एक बार थोड़ा मैकेनिज्म फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर बताएंगे आपको क्या, कि कैसे टोइटोमर का यूज अलग जगह करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग आइसोटॉप इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, मिलते हैं कल।